हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2014 सेट टू, 1 मार्क का क्वेश्चन। काफी आसान है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द स्विच एस डब्ल्यू शोन इन द सर्किट इज कैप्ड एट पोजीशन 1। तो ये तुम्हारा स्विच है, ये सबसे पहले पोजीशन 1 पे था, ठीक है। उसके बाद एट टी इज इक्वल टू 0 द स्विच गोज टू पोजिशन 2। तो उसके बाद स्विच क्या चला गया, अपना पोजिशन 2 में चला गया। एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस द स्विच इज मूव टू, ओके ये तो पढ़ लिया अपने। अज्यूम V02 इज ग्रेटर देन V01, द वोल्टेज VCT अक्रॉस द कैपेसिटर। बेसिकली कुछ नहीं करना है, तुमको साफ साफ पता है कि फाइनली जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट होने वाला है। तो यहाँ से जरा देखना, मुझे बताना इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, अगर मैं स्टेडी स्टेट के अंदर बात करूँ VC0- की, तो VC0- की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, V01 के बराबर, ओके। और VC∞ की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, -V02 के बराबर। देयरफॉर VCT की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, VC∞ प्लस VC0 माइनस माइनस VC∞ e^-t बाय टॉ। अब क्वेश्चन आता है स्टॉप, ये टॉ किस ड्यूरेशन में लोगे तुम, टॉ फॉर टी ग्रेटर देन 0 ड्यूरेशन में लोगे तुम, ये बात बस ध्यान रखना, ठीक है। नाउ टॉ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, आर इक्वलेंट सी। व्हाट इज आर इक्वलेंट, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले ओपन करेंगे और जितने भी सोर्सेज हैं कैसे टी ग्रेटर देन 0 पे, तो टी ग्रेटर देन 0 पे तो ये वाला बचेगा, टी ग्रेटर देन 0 पे जितने भी सोर्सेज उनको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि वोल्टेज सोर्स है, उसको रिमूव करने का तरीका क्या, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे आर और आर किस में देख रहे हैं तुम्हें, सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R के बराबर, और सी का सी रहने वाला है। तो फाइनली यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2R। जब मैं वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा फाइनली, तो क्या बनेगा तुम्हारे यहाँ पे बताओ, VCT इज इक्वल्स टू VC∞ विच इज -V02 प्लस VC0 विच इज V01 -VC कैंसिल हो जाएगा, तो V02 e^-t/R। बस यही था तुम्हारे पास। तो ऑप्शंस में देखो फटाफट क्या क्या है, -V0, ओके। तो बेसिकली इसने V02 को साथ में ले लिया है, वो भी -V02 को। तो -V02 को अगर मैं भाग लेता हूँ तो अंदर बनेगा 1 -e^-t/R, 2R, ध्यान रखना है, पर 2R से आएगा, ठीक है। प्लस V0 1 e^-t/2R। सो कहाँ मिल रहा है तुम्हें, ओके इस फॉर्म में तो आंसर है ही नहीं, e^-t0, ओके इस फॉर्म में आंसर नहीं है। तो आंसर की फॉर्म जरा चेक करो, यहाँ पे तुमको V02 और ये सब कॉमन कॉमन कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं पूरी दोनों साइड में -V01 +V01 ऐड कर दूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये -V01 ये वाली टर्म तो एक साथ रहेगी और ये माइनस पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो -V01 +V02 ब्रैकेट में e^-t/2RC, बस वही चाहते हो तुम्हारे, ऑप्शंस निकालने में टाइम वेस्ट हो और तुम कुछ ऑप्शन में गलती कर दो, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन कुछ मिल रहा होगा तुम्हें, ओके क्या गलती कर दी मैंने यहाँ, हाँ ठीक है। तो जैसे ये कॉमन लोगे क्या बनेगा, 1 -e^-t/2RC +V01, सॉरी ठीक है, +V01। थोड़ा सा मैं मेरी फोटो आई होगी तो ये दिखा देता हूँ, ये फाइनली तुम्हारे पास आंसर बन रहा है। ऑप्शन में ढूंढो जरा, मिल रहा है क्या, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन गलत है, मतलब कि इसके अंदर ये जो साइन दे रखा है ना, ये इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो अपन ने वही पोलैरिटी लेके करी है, ठीक है। तो मेडिजी के तुम बुक देखोगे तो पीछे इसमें स्टार दे रखा है, मतलब बोनस क्वेश्चन है या डाउटफुल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे स्टार का मतलब क्या है बाकी। लेकिन हाँ, जब गेट का जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें इसका आंसर डी था, अब वो डी आंसर कैसा है वो मैं बताता हूँ, ठीक है।
तो उसकी पोलैरिटी इन्होंने शायद इस प्रकार से लिया, यहाँ पे ये मान लिया था, तो अगर ये मान लिया था तो VC0 की जो वैल्यू बताओ, VC0 की वैल्यू माइनस V01 हो जाएगी, और VC इन्फिनिटी की वैल्यू बताओ वो हो जाएगी V02 डायरेक्टली, ठीक है। तो V02 मैं फाइनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस V0 प्लस माइनस V अपॉन टू आर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये वाली टर्म बनानी है ताकि मैं कॉमन ले सकूँ, तो यहाँ पे मैं माइनस V01 प्लस V01 ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये माइनस वी नॉट वन और प्लस वी नॉट वन इसके साथ जाके ओके, तो बाहर कॉमन ले, तो माइनस ऑफ वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और बचेगा क्या यहाँ पे प्लस वी नॉट वन, तो ऑप्शन बी इससे मिलेगा तुम्हें। तो मेरे हिसाब से गड़बड़ कर रखी है, तो मेरे को चेक करना, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, और मेडिसी की जो बुक है उसमें भी इन्हें स्टार दे रखा है, मतलब कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा। मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए कि इन्हें जो पोलैरिटी दी है, ये एरो बना रखा है, ये ऑफिशियल आंसर मैंने देखे हैं, तीन चार मैंने पेपर निकाल के देख लिए, ठीक है। तो तीनों में ये एरो ऊपर ही है, इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।